चैनपुर के डुमरकोन गांव में बाइक की चाबी नहीं देने पर छोटे भाई ने पीट पीट कर अपने ही भाई की कर दी हत्या। चैनपुर थाना अध्यक्ष ने बताया मृतक व्यक्ति नारायण खरवान के परिजन की तरफ से नहीं दिया गया है आवेदन, आवेदन के बाद ही शुरू होगी कार्यवाही। भवन नगर परिषद के पूर्व ईओ अनुभूति श्रीवास्तव और कनीय अभियंता राहुल कुमार को गिरफ्तार करने का जारी हुआ आदेश। कैमूर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों अभियुक्तों पर ठेकेदार राजेश कुमार उर्फ वेद प्रकाश को जहर देकर मारने के प्रयास करने का लगा है आरोप। मोहनिया वार्ड 16 के निवासियों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर रही है मोहनिया की नगर पालिका। दलदल वाले कीचड़ के रास्ते आने जाने में लोगों की अक्सर हो रही है दुर्घटना और गंदगी से फैल रहे रोग को लेकर नगर पालिका का है उदासीन रवैया। लॉकडाउन में बंद हुए स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासेस का नेटवर्क न होने से पढ़ाई से पूरी तरह वंचित है अधौरा प्रखंड की 100 से अधिक गांव। जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया ऐसे गांव में मास्क और सामाजिक दूरी का प्रयोग करते हुए शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई। कैमूर में मकर संक्रांति का अवसर जिले के विभिन्न जगहों पर लगने वाले सभी मेला को जिला प्रशासन के निर्देश पर किया गया रद्द। अखलासपुर और कुलड़िया सहित सभी मेला आयोजक ने न मेला लगने के निर्देश को स्वागत करते हुए कहा कोरोना से बचाव है पहली प्राथमिकता। मोहनिया समेकी चेक पोस्ट से अवैध बालू लदे ट्रक को जब्त करते हुए चालक को किया गया गिरफ्तार। बिहार सरकार के निर्देशानुसार 14 चक्का वाले ट्रकों पर बालू गिट्टी आदि ढोने पर लगा है पूर्ण प्रतिबंध। गिरफ्तार चालक कुदरा निवासी अखिलेश कुमार बताया गया है। मोहनिया प्रखंड विकास अधिकारी मनोज कुमार और थाना अध्यक्ष ललन कुमार ने मोहनिया के सब्जी व्यवसायियों के साथ बैठक का कराया आयोजन। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों में कमी लाने के लिए सब्जी मार्केट को मोहनिया के जगजीवन मैदान में कराया गया स्थानांतरण। चैनपुर विस्कुमान प्रबंधक के रहस्यमय मौत के बाद कैमूर जिले के कई प्रखंडों के विस्कुमान प्रबंधकों ने कल नहीं खोला विस्कुमान केंद्र। खाद लेने पहुंचे किसानों ने बताया विस्कुमान भवन बंद रहने की जानकारी पहले जारी नहीं करने से उठानी पड़ी किसानों को परेशानी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दया प्रताप सिंह द्वारा सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने पर भड़के लोगों ने रामगढ़ में डीपी सिंह का पुतला फूंककर किया विरोध प्रदर्शन। पुतला दहन करे प्रदर्शनकारियों ने कहा डीपी सिंह को दिए सभी पुरस्कार वापस ले केंद्र सरकार। चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के पास स्थित शांति नेत्रालय में शिविर का आयोजन कर 30 मरीजों का कराया गया निःशुल्क आंख का ऑपरेशन। जानकारी देकर डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया भारत विकास परिषद की मुंडेश्वरी शाखा के माध्यम से हुआ निःशुल्क ऑपरेशन।